Hello students, welcome to the another class. In the last video lecture of this chapter, we have started the double membranous organelles. जिसमें हमने last video lecture में mitochondria को detail में discuss किया था, उसका structure और function देखा था. आज हम second जो double membranous organelle है, वो start करने जा रहे हैं, that is plastids. तो second double membrane organelle कौन सी हो जाएगी? Plastids. Plastids. It was first discovered by Haeckel. Plastids को सबसे पहले किसने देखा था? It was discovered by Haeckel. और इनको जो नाम है, plastid जो नाम है, ये एक दूसरे साइंटिस्ट हुए हैं, सिमर, उन्होंने दिया था. Name was given by name, जो टर्म है, that was given by सिमर. सीमर ने इनको नेमिंग की थी, इनको टर्म प्रोवाइड की थी. अगर हम साइज की बात करें तो प्लास्टिड्स आर ऑलमोस्ट 5 to 10 माइक्रोन लॉन्ग. 5 to 10 माइक्रोन लॉन्ग होते हैं. और प्लास्टिड हमें पता है, दीज आर ओनली फाउंड इन प्लांट सेल. ये सिर्फ किसमें मिलते हैं? प्लांट सेल. एनिमल सेल में ये एब्सेंट होते हैं. एनिमल सेल में प्लास्टिड्स नहीं मिलते हैं. तो अगर क्वेश्चन आता है लार्जेस्ट ऑर्गेनली ऑफ द प्लांट सेल, तो लार्जेस्ट ऑर्गेनली प्लांट सेल की क्या हो जाएगी? प्लास्टिड, या फिर प्लास्टिड भी अभी हम टाइप करेंगे, उनमें से कोई दिया हो. अगर सिर्फ पूछा जाए लार्जेस्ट ऑर्गेनली ऑफ सेल या एनिमल सेल, तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया. तो स्पेसिफिकली पूछा जाए प्लांट सेल, लार्जेस्ट ऑर्गेनली इज प्लास्टिड. तो दिस इज द largest organelle of plant cell. बहुत ही important question है. Plant cell में सबसे बड़ी organelle plastid हो जाएगी. सिर्फ specify नहीं किया है cell, और animal cell के बारे में पूछा है, तो हो जाएगा mitochondria. और plastid में क्या होते हैं? They are also semi-autonomous, just like mitochondria. This is also semi-autonomous. क्यों semi-autonomous organelle बोलते? क्योंकि इनमें अपना single, circular, double-stranded DNA होता है, due to which it can synthesize some of its proteins. चलिए अब हम बात करते हैं types of plastids. Plastid कौन कौन से type के होते हैं? Types of plastids. और ये जो क्लासिफिकेशन किया है इनका ऑन द बेसिस ऑफ कलर, इनमें कौन से पिगमेंट्स होते हैं जो इनको कलर प्रोवाइड करते हैं. प्लास्टिड्स आर बेसिकली ऑफ थ्री टाइप्स, तीन टाइप के होते हैं, दैट इज क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, सेकंड वन इज क्रोमोप्लास्ट, एंड थर्ड वन इज ल्यूकोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं? दीज आर ग्रीन कलर्ड प्लास्टिक. क्लोरोप्लास्ट कैसे होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं. क्यों ग्रीन कलर के होते हैं? क्योंकि इनके अंदर जो ग्रीन कलर प्रोवाइड करने वाला पिगमेंट होता है, दैट इज क्लोरोफिल ए एंड बी, वो ज्यादा अमाउंट में होता है. दैट्स व्हाई दीज प्लास्टिक्स, क्लोरोप्लास्ट, आर ग्रीन इन कलर. ग्रीन कलर ड्यू टू क्लोरोफिल ए एंड बी. क्लोरोफिल ए भी पिगमेंट की वजह से इनका ग्रीन कलर होता है. और यही जो पिगमेंट है क्लोरोफिल ए बी, आगे हम प्लांट फिजियोलॉजी में भी पढ़ेंगे, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. इन्हीं पिगमेंट्स की वजह से प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं. इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को स्पेसिफिकली हम क्या बोलते हैं? किचन ऑफ द सेल. जहाँ फूड बनता है उसको क्या बोलते हैं? किचन ऑफ द सेल. तो ड्यू टू दिस पिगमेंट दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकता है, और इसी वजह से दिस ऑर्गेनली इज नॉन एज किचन ऑफ द सेल. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. पावर हाउस ऑफ द सेल, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया. माइटोकॉन्ड्रिया, किचन ऑफ द सेल, क्लोरोप्लास्ट. नेक्स्ट ऑर्गेनली है क्रोमोप्लास्ट. क्रोमो जो वर्ड है वो कलर के लिए यूज किया जाता है. तो ये क्या है? कलर्ड प्लास्टिड है. क्यों कलर्ड प्लास्टिड है ये?
क्योंकि इनमें स्पेसिफिकली कलर प्रोवाइड करने वाले पिगमेंट्स होते हैं, दैट्स व्हाई दीज प्लास्टिड्स आर कलर्ड। तो ये कैसे हो गए, दीज आर ऑफ वेरियस कलर्ड प्लास्टिड या वेरियस, दे आर हैविंग वेरियस कलर। तो कलर्ड प्लास्टिड, और क्यों ये कलर्ड प्लास्टिड हैं, ड्यू टू पिगमेंट, क्योंकि इनमें कलर प्रोवाइड करने वाले पिगमेंट होते हैं, स्पेसिफिकली कौन से, कैरोटीनॉइड एंड जेंथोफिल, स्पेसिफिकली कौन से, कैरोटीनॉइड एंड जेंथोफिल। कैरोटीनॉइड की वजह से जो प्लांट पार्ट है, दैट मे बी लीफ या फ्रूट, उसको कौन सा कलर मिलता है, इट प्रोवाइड्स येलो ऑरेंज कलर। ये स्पेसिफिकली कौन सा कलर प्रोवाइड करता है, येलो ऑरेंज रेडिश कलर प्रोवाइड करता है। जेंथोफिल स्पेसिफिकली प्रोवाइड्स ब्राउन कलर। जेंथोफिल्स कौन सा कलर प्रोवाइड करेंगे, ब्राउन कलर प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट दीज आर कलरलेस प्लास्टिड, दीज आर कलरलेस प्लास्टिड। अब ये कलरलेस है, इनका काम था फोटोसिंथेसिस, इनका काम था कलर प्रोवाइड करना, ये कलरलेस हो गए, अब इनका क्या काम होगा। कलरलेस प्लास्टिक है, ये फूड को स्टोर करते हैं, मेन फंक्शन होता है फूड को स्टोर करना। अब ये कौन सा फूड का कंपोनेंट स्टोर करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट ल्यूकोप्लास्ट को हम थ्री क्लासेस में डिवाइड करते हैं। अगर ल्यूकोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट स्टोर करते हैं, इफ दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट, तो ऐसे ल्यूकोप्लास्ट को हम नाम दे देते हैं अमाइलोप्लास्ट। ऐसे ल्यूकोप्लास्ट प्लास्टिड को क्या नाम दे दिया जाता है, अमाइलोप्लास्ट। इफ दे स्टोर प्रोटीन्स, अगर ये प्रोटीन स्टोर करते हैं तो उनको बोल दिया जाता है अल्यूरोप्लास्ट। ऐसे ल्यूकोप्लास्ट को क्या नाम देंगे, अल्यूरोप्लास्ट। और अगर ये फैट ऑयल स्टोर करते हैं तो उसको नाम दे दिया जाता है इलियोप्लास्ट। तो दिस स्टोर फैट एंड ऑयल। तो मेन फंक्शन क्या हो गया इनका, इसका ल्यूकोप्लास्ट का, दैट इज फूड स्टोरेज, फूड स्टोरेज। और फूड स्टोरेज के बेसिस पे ही अमाइलोप्लास्ट, अल्यूरोप्लास्ट और इलियोप्लास्ट तीन टाइप के हो सकते हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट स्टोर कर रहे हैं तो अमाइलोप्लास्ट, प्रोटीन स्टोर कर रहे हैं तो अल्यूरोप्लास्ट, और फैट ऑयल स्टोर कर रहे हैं तो उसको क्या कह देंगे, इलियोप्लास्ट। चलिए एक और चीज देखिए, ये जो तीनों तरह के प्लास्टिक, अब देखिए ये जो तीनों तरह के प्लास्टिक है, क्लोरो क्रोमो और ल्यूकोप्लास्ट, ये साइंटिस्ट अज्यूम करते हैं कि एक ही प्लास्टिक प्रिमिटिव, एक ही प्लास्टिड रहा होगा, उसी से ये तीनों अराइज हुए होंगे, उसको बोल दिया जाता है प्रोप्लास्टिड। तो जिससे ये तीनों बनते हैं उसको क्या कह देते हैं, प्रोप्लास्टिड से ही ये तीनों टाइप के प्लास्टिड अराइज होते हैं। एक और स्पेसिफिकली कुछ बुक्स में दिया होता है, दैट इज इडियोप्लास्ट। ये ऐसा प्लास्टिड है जो प्लांट पार्ट्स में, लीव्स के अंदर डेवलप होता है इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। जब लाइट की एब्सेंस में जो प्लास्टिड बनता है उसको नाम दे दिया जाता है इडियोप्लास्ट। सिर्फ इतना ही लर्न करना है आपको, इडियोप्लास्ट आता है तो कब डेवलप होगा, इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। अब देखिए नॉर्मली आपने देखा होगा फ्रूट्स जब कच्चे होते हैं, या ग्रीन इन कलर, जब फ्रूट्स कच्चे हैं तो वो कैसे हैं, ग्रीन इन कलर, हम कहेंगे उनमें अभी क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। लेकिन जब वो पक जाते हैं, मैंगो कच्चा है तो कैसा है, ग्रीन कलर का, लेकिन जब वो पक जाएगा तो कैसा हो जाएगा, येलो ऑरेंज। तो अब उसमें कौन सा प्लास्टिड मिलेगा, क्रोमोप्लास्ट। यस, तो फ्रूट्स जब रो होते हैं तो उनमें क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट। बाद में यही क्लोरोप्लास्ट किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, क्रोमोप्लास्ट। इट मीन्स ये जो तीनों तरह के प्लास्टिड्स हैं, दे आर इंटर कन्वर्टिबल, एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। क्लोरोक्रोमो में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन क्रोमो कभी क्लोरो में कन्वर्ट नहीं होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लोरो जब फूड की राइपनिंग होती है तो क्लोरोप्लास्ट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमोप्लास्ट में, लेकिन अपोजिट नहीं होता है, क्रोमोप्लास्ट किसी तरह के प्लास्टिड में कन्वर्ट नहीं होता है। तो दिस इज अबाउट द टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो लेक्चर होगा, इन दैट वी विल डिस्कस
द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट प्लास्टिड दैट इज क्लोरोप्लास्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लांट सेल में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, प्लांट फिजियोलॉजी में भी इसका स्ट्रक्चर हमारे काम आएगा। तो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग को देखेंगे। टिल देन आप इसको अच्छे से रीड कीजिए।